प्रधान नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ शौचालय योजना में भ्रष्टाचार में डूबे ग्राम प्रधान के साथ साथ अमानीगंज ब्लॉक के अधिकारी ने भी खूब रंग दिखाया है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों की जेब भरने का एक अच्छा माध्यम स्वच्छ शौचालय योजना बनती दिख रही है। इस योजना के तहत बनाए गए शौचालयों में मानकों के साथ पूरी निर्भीकता के साथ खूब खिलवाड़ किया गया है और इसमें ग्राम विकास अधिकारी ने भी पूरी सहभागिता करते हुए ऐसे शौचालयों को कहीं पूरा तो कहीं अधूरा ही तैयार करवाकर उपयोग के लिए छोड़ दिया है, जो भविष्य में देश की जनता को उसी स्थान पर लाकर छोड़ देंगे जिसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जी जान से जुटे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो शौचालय ग्रामीण क्षेत्र की जनता उपयोग कर रही है उनके दोनों टैंकों में मल प्रवाहित हो रहा है। कुछ वर्षों बाद जब दोनों टैंक एक साथ भर जाएंगे तो ऐसे में या तो शौचालयों का उपयोग बंद करना पड़ेगा या टैंकों में एकत्र हुए मैले को बिना जैविक खाद के बने ही फेंकने की मजबूरी होगी। जबकि स्वच्छ शौचालय में दो टैंक इसलिए बनाए गए हैं कि पहले एक टैंक का उपयोग हो, जब वह भर जाए तो दूसरा टैंक खोल दिया जाए और जब पहले वाला टैंक में एकत्र हुआ मल जैविक खाद का रूप ले ले तो उसे खेतहर भूमि को उपजाऊ बनाने के काम में लाया जाए। लेकिन जागरूकता की कमी व ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को शौचालय उपयोग की सही जानकारी नहीं दी गई है। फैजाबाद के विकासखंड अमानीगंज के ग्राम पंचायत धरौली व उसके अंतर्गत आने वाले गांवों के ग्राम प्रधान ने शौचालय निर्माण से लेकर प्रधानमंत्री आवास में ग्राम प्रधान जगदीश कुमार ने खूब धांधली किया। मानकों के साथ जमकर खिलवाड़ किया गया। लोगों का आरोप है कि शौचालय जानलेवा बना हुआ है, उसमें शौच करने की सोचना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना है। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय बनवाने में जो मटेरियल लगा है उसमें बालू और सीमेंट से बनाया गया है, जिसमें 7 बोरी बालू तो 1 बोरी सीमेंट मिलाया गया है और शौचालय के 2,000 रुपये व प्रधानमंत्री आवास के लिए 15,000 रुपये प्रधान को दिया जाएगा, तभी प्रधान लाभ दिलाएंगे। सभी शौचालयों को देखने से ही लगता है कि मानकों के साथ खूब खिलवाड़ किया गया है। सूत्रों की माने तो ग्राम प्रधान जगदीश कुमार का कहना है कि ग्राम पंचायत में मेरे मुताबिक ही विकास कार्य होंगे, सरकार क्या होती है इससे में मुझे क्या लेना देना। उन्होंने यह भी कहा कि जो चाहे मेरी शिकायत करे लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोगों की समस्याओं को खंड विकास अधिकारी केडी गोस्वामी ने जब देखकर अनदेखा कर दिया तो लोगों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र देकर भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधान व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सभी शौचालयों को मानक के अनुरूप बताते हुए ब्लॉक के अधिकारियों ने जिले के उच्च अधिकारियों को गुमराह करने में भी माहिर दिख रहे हैं। शौचालय के मानकों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चल रहा है। जब हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा अमानीगंज ब्लॉक पहुंचकर वीडियो केडी गोस्वामी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उनका जवाब ये था कि सब सही ढंग से चल रहा है, कोई लापरवाही नहीं है। वही कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया, कहा जांच करेंगे। वही अवधेश पांडे ने बताया कि इस तरह से योगी सरकार की किरकिरी करने में क्यों जुटे हैं वीडियो केडी गोस्वामी, यही रवैया रहा तो कैसे पूरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना। गरीब किसानों की अपील है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धरौली ग्राम सभा में हो रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। शिकायत किया तो वीडियो साहब आया तो वीडियो साहब कहा कि नित्ता बालू की लेटरिंग बन रही है, तो वीडियो साहब कहें कि क्या जो बनाएगा वो पैसा नहीं लेगा, तो हम कहें पैसा लेगा साहब, आधी लेटरिंग का पैसा लेगा, 6,000 में पूरी लेटरिंग तैयार कर दे रहे हैं। तो प्रधान से बात हुई, प्रधान जी कहें कि जाइए तुम्हारी लेटरिंग नहीं बनेगी, तो वीडियो साहब कहें कि लेटरिंग का जो बनाएगा पैसा वो लेगा, तो हम कहें साहब पूरी लेटरिंग का चेक ले लीजिए प्रधान आप मिला के। तो क्या बोले आपको? अरे दिक्कत सर हमारी यह है कि ना हमारे घर है ना मकान है और ना हमारे एक पैसा का आज तक पेंशन बंधी है। नरेगा में हमारा औरत 5 दिन 10 दिन काम की, वो औरत का हमारे पैसा नहीं निकलते, जे एक को दिन सड़क पर नहीं का वह कहे 10-10, 20-20 हज़ार 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार के पैसा निकाल दे, तो हमारे मेहरारू कहे हैं कि तुम्हारा खाता खराब है। वीडियो साहब आए थे क्या कहे? वीडियो साहब कही हो नहीं आए हमारे लगे, वीडियो साहब के लगे एक दिन दरखास्तों लगाए रहन तब वो नहीं आए, कहें कि वहाँ प्रधान के लगे चल के तुम्हारी बात करा देंगे। ये अमानीगंज ब्लॉक का कटैया गांव है जहां पर स्वच्छ भारत मिशन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार बदल गई लेकिन सरकारी रवैये नहीं बदले। ये कटैया गांव है जहां ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय में बहुत बड़ी धांधलेबाजी की गई है। हम ले चल रहे हैं आपको जो गड्ढा है शौचालय का उसको दिखाने ले चल रहे हैं। आप ये देखिए गड्ढा है, गड्ढा बना नहीं है लेकिन तभी भी गड्ढे का स्लेब रखा गया है, इससे ये पता चलता है कि ये लैट्रिन का गड्ढा है और इसको वीडियो और प्रधान द्वारा इसका पैसा भी पास कराया गया है लेकिन इसके नीचे गड्ढा नहीं है। ये देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिखाने के लिए ये गोल गोल करके रख दिया गया है लेकिन ये गड्ढा नहीं है इस पे,
ये क्या है, योगी सरकार में स्वच्छता की तरह बहुत पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कैमरामैन शैलेंद्र सिंह के साथ गौरव मिश्रा, आईवी इंडिया न्यूज़, फैजाबाद।